हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यार कुछ दिन में 7th सेमेस्टर बीई बीटेक बी फार्मेसी की एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं 30 नवंबर से। तो दोस्तों, कुछ स्टूडेंट काफ़ी सारी दिक्कत परेशानी फेस कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वो 7th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं दे पाएंगे, वो एलिजिबल नहीं है। तो दोस्तों, आपने जो थंबनेल पर देखा है, 7th सेमेस्टर एग्जाम देने नहीं मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, आपने करेक्ट देखा है, क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं, इंस्टा पर मैसेज कर रहे हैं कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, सेमेस्टर बैक लग गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यार आप लोग का अगर सेकेंड ईयर क्लियर नहीं है तो आप लोग 4th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन नहीं दे सकते। तो दोस्तों, काफ़ी सारे स्टूडेंट को 4th सेमेस्टर में बैक लुक आया था, जिसके बाद उन्होंने रेवोल्यूशन के लिए अप्लाई किया था, मर्सी अटेम्प्ट के लिए, जिनका रिजल्ट 2 से 3 दिन पहले ही RGPB ने रिलीज़ किया है, जो कि दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट का नो चेंज आया है। तो दोस्तों, सभी स्टूडेंट काफ़ी परेशान हैं, लेकिन दोस्तों अब क्या ही कर सकते हैं, जब आपका सेमेस्टर बैक ही लग गया है, मतलब कि मर्सी अटेम्प्ट में भी आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाए, रिवेल में भी नो चेंज आया है। अब चैलेंज के लिए आपने अप्लाई किया है, तो जब तक चैलेंज का प्रोसेस डन होगा, रिजल्ट आएगा, तब तक 7th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आपका सेमेस्टर बैक लगा लगाया हुआ है। बाकी जिनका रेवोल्यूशन में चेंज आया था, वो लोग काफ़ी खुश हैं, उन्होंने 7th सेमेस्टर का एग्ज़ाम फॉर्म वगैरह भी फिल कर दिया है, उनका फॉरवर्ड कर दिया है RGPB ने। आप लोग भी अगर चेंज वाले हैं, चेंज रिजल्ट वाले हैं, तो देख लीजिएगा, फॉर्म वगैरह फिल कर दीजिएगा, 25 लास्ट डेट है। तो दोस्तों, चैलेंज वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि यार आपको अगली बार ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। 8th सेमेस्टर का आपका करंट सब्जेक्ट का पेपर हो जाएगा, उसके बाद 7th का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कि आपका अभी चैलेंज का रिजल्ट आ जाए, उसके बाद ही आप लोग कुछ आगे एलिजिबल हो जाएंगे सेमेस्टर वगैरह के लिए। लेकिन दोस्तों, तब तक आप लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, इसीलिए लास्ट ऑप्शन चैलेंज ही है। लेकिन दोस्तों, चैलेंज के लिए भी तभी अप्लाई करना जब आप लोग 100% श्योर हों, कॉन्फिडेंट हों कि मैं अच्छा करके आया था, चैलेंज में निकल जाऊंगा। तो दोस्तों, थोड़ा बहुत रिक्वेस्ट वगैरह कर लीजिएगा, आप लोग आराम से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू ऑल।